सांगायचं करायचं काय खाली मुंतवर पाय ओबीसी के आरक्षण में 17 वर्ष मैदान में ओबीसी के आरक्षण में 17 वर्ष मैदान में जय ज्योति जय क्रांति जय ज्योति जय क्रांति पुष्पा सात भागे मिलो जय ज्योति जय क्रांति जय ज्योति जय क्रांति पुष्प सात भागे मिलो हम तुम्हारे साथ हैं पुष्प सात भागे मिलो हम तुम्हारे साथ हैं अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद छत्रपति शिवाजी महाराज की जय राष्ट्रपिता साथ हैं तुमची आमची एकच जवळ छगन भुजबळ छगन भुजबळ तुमची आमची एकच जवळ छगन भुजबळ छगन भुजबळ देश नेता कैसा हो अरे अरुण लो वारमो देश नेता कैसा हो वासे देश हो यानंतर विनंती करतो प्रदेश प्रचारक हॅलो श्री दोन मिनिट थांबा ना थांबा दोन मिनिट आमचं होतं ना दोन मिनिट काय खाली मुंतवर पाय पाटिया आयोगाचं करायचं काय खाली मुंतवर पाय जनगणनेचा डेटा चुकीच्या पद्धतीने जमा करणाऱ्या प्रशासनाचा चुकीच्या पद्धतीने जनगणनेचा डेटा जमा करणाऱ्या प्रशासनाचा पाटिया आयोगाचं करायचं काय ओबीसीचा जनगणनेचा डेटा चुकीच्या पद्धतीने जमा करणाऱ्या प्रशासनाचा चुकीच्या पद्धतीने जनगणनेचा डेटा जमा करणाऱ्या प्रशासनाचा आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार, मैं हूं शेख मुख्तार। आज हम मौजूद हैं कलेक्टर ऑफिस के सामने, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टिया आंदोलन रखा गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। कलेक्टर ऑफिस के सामने आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या मांगनी है सर? हमारी मेनली ये मांगनी है कि एम्पिरिकल डाटा जो ओबीसी का कलेक्ट कर रहे भाटिया आयोग के मार्फत, और भाटिया आयोग के मार्फत सम्माननीय जिलाधिकारी साहब है, कॉरपोरेशन के प्रशासक है, और इतर जो आईएएस ऑफिसर है, इनके थ्रू जो कलेक्शन हो रहा है डाटा का, वो प्रॉपर चैनल से नहीं हो रहा है। ये आड नाव सरनेम पे से ये डाटा कलेक्ट हो रहा है। मेरा सरनेम घोड़के है, तो मैं आने अदर कास्ट में भी हूँ, ओपन में हूँ, ब्राह्मण समाज या इतर अदर समाज में भी हूँ। तो हमारा कहना ये है कि आड नाव पे से तुम डाटा का कलेक्ट मत करो, डोर टू डोर जाओ, हमारे संगठन के जो पार्टी के राष्ट्रवादी जो पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ में लेके आप सर्वे करो। ये एक्चुअली वो नहीं हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रहा है, बैठे बैठे ऑफिस में बैठे बैठे डाटा कलेक्शन हो रहा है, इसके अपोज में हम ये आंदोलन कर रहे हैं। आपकी उनसे मुलाकात हुई, आपने आपको क्या कुछ आश्वासन? नहीं, अभी तो हम उनके मिलने को जा रहे हैं कलेक्टर साहब को, उनका क्या कहना है हम देखेंगे। एक्चुअली छगन राव जी भुजबल साहब, ओडेटीवार साहब, इन्होंने सीएम साहब से ये बारे में मुलाकात की। सीएम साहब ने बताया कि हम इसमें करेक्शन करेंगे, लेकिन जब तक ये हमको प्रॉपर लिख के नहीं देते, हम ये आंदोलन चालू रहेगा। ओबीसी के सम्मान में, ओबीसी के सम्मान में आप सभी जाते हैं, जानते हैं कि देश में ओबीसी के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। अभी तो हमको मिलना शुरू भी नहीं हुआ है तो छीनना शुरू हो गया है। अभी आके बैठे भी नहीं थे कि हमें भगाने की कोशिश की जा रही है। कई सालों के बाद तो हमें जो है अधिकार मिल रहा, तो संविधान ने दिया था, मंडल आयोग की पूरी सिफारिश लागू भी नहीं हुई है, और ये हम पे फिर इल्जाम कि सारे कब्जा ही कर रहे थे। तो और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज दिया था कि महाराष्ट्र के अंदर बल्कि पूरे देश में ओबीसी कितनी उसकी जनगणना की जाए, जनसंख्या बताई जाए। तो एक एम्पिरिकल डाटा के नाम पर भाटिया आयोग का निर्माण किया गया है, और भाटिया आयोग जो जिस प्रति से काम कर रहा है वो आश्चर्यजनक और हास्य प्रसिद्ध है। हमें हंसी आती है कि उच्च शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग किस प्रकार से सरनेम देख के जाति का उल्लेख करेंगे। मैं तेली हूँ, तेली समाज से मैं आता हूँ, हमारे तेली में शेख भी है, सैयद भी है, खान भी है, पठान में, आप बताइए, ये बागबान में भी है, और इतनी जाते हमारे तेली, तमोली, मनियार, बागबान, अंसारी, कुरैशी, तकरीबन 70-80 जाते मुस्लिम ओबीसी में आती है, आप कैसे कर पाएंगे? हाँ, तो हमारा मानना यही है कि आपको चाहिए कि जो मैं ये सब यादें लाया हूँ कि जो ऑफिसर है वो स्कूल में बैठकर यादें तैयार कर रहे हैं और सरनेम देख के नाम तैयार कर रहे हैं। तो हमने उन अधिकारी का संपर्क किया कि आप जो सर्वे कर रहे हैं, मैंने पूरी यादें मेरे हाथ में है, हमने उन्हें फॉर्म भी दिया है। हमारा निवेदन बोलना यही है
अगर आपके पास आदमी नहीं है, आपके पास समय कम है, तो हमारे ओबीसी वीर साथ देने को तैयार है। हर गली मोहल्ले में हमारे संता परिषद के, राष्ट्रीय कांग्रेस के, अन्य ओबीसी संगठन के लोग मौजूद है। आप उनका साथ लीजिए, आपके बीएलओ ऑफिसर को उनके साथ में दीजिए, हम पूरा सर्वे करा देते। अगर ये सर्वे इस तरह से नहीं होता है तो ये ओबीसी के लिए बहुत घातक है। और ओबीसी मुझे कहना चाहूंगा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आप सोते रहेंगे तो आपके जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है वो छीने जाएंगे। मैं मिर्जा अब्दुल करीम हूं। अभी जो हमने इनसे बातचीत करी, इनकी मांग यही है कि डोर टू डोर जाके जो है सर्वे करना चाहिए, और इसकी अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या होगा हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरा मैन शेख फैजान के साथ मैं हूं शेख मुख्तार, आप देख रहे हैं औरंगाबाद समाचार। छत्रपति शिवाजी महाराज की, राष्ट्रपिता।